Welcome 9th class student to another video lecture of chapter 9 force and law of motion. In this video lecture I will be explaining about that what is law of a conservation of momentum. Okay. Conservation of momentum hota kya hai? Okay, yahan pe is dauran is law mein hame momentum ka total concept clear hona chahiye ki momentum matlab hota क्या है. मोमेंटम इज वन फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. डिपेंड करता है कि कितना उसका मास और वेलोसिटी उसके हिसाब से क्या होते हैं मोमेंटम होते हैं. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी का जो मोमेंटा है बिफोर कोलिजन is equal to the sum of momenta after collision provided there is no unbalanced force acting on them. मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी. सो जो कॉलिजन के पहले मोमेंटम होगा दोनों का मिला के उतना ही इक्वल टू होगा बाद में जितना उनका मोमेंटम होने वाला है. यानी कि जितना इनिशियल वेलोसिटी होगा ए और बी का उसे इक्वल ही क्या होगा, फाइनल मोमेंटम के बराबर ही होगा और ए और बी का. ओके, सो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने दो ऑब्जेक्ट लिया है, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी. उसका मास ए है, इनिशियल वेलोसिटी यू ए है. दूसरा ऑब्जेक्ट है, मास बी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है यू बी है. अब उनके बीच में क्या हुआ, कोलिजन हुआ. तो ए का फोर्स किस पे लगा होगा, बी पे. बी का फोर्स किस पे लगा होगा, ए पे. तो बात क्लियर. जैसे ही फोर्स लगा होगा तो उसके बाद उनका क्या होगा, वेलोसिटी अराइज हुआ होगा. तो मान लीजिए कोई भी इधर यहाँ पे वेलोसिटी अराइज हुआ है. सो वेलोसिटी इनका फाइनल है वी ए, ए का और बी का वी बी है. तो इसको हम एक तरीके से दर्शा सकते हैं, ए का इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हम कैसे दिखाएंगे, एम ए और यू ए, और फाइनल वेलोसिटी एम ए और वी ए. बिकॉज यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी बताता है और वी हमारा फाइनल वेलोसिटी बताता है. ये ए का, और बी का क्या होगा, एम बी यू बी. ये सोच रहा हूँ, और एम बी और वी बी. ठीक है, ये आपके क्या हो गए, ये इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम किसका, ए का. यहाँ पे भी आपकी क्या होगी, बी का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम. यहाँ तक बात क्लियर. अब इनके बीच में क्या हुआ, कोलिजन हुआ. ठीक है, एक दूसरे से क्या हुआ, बॉल यहाँ पे लड़ गए. तो उस दौरान क्या होगा कि मैंने आपको ये बताया ए का बी पे फोर्स लगेगा और बी का ए पे. अब यहाँ पे हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू दी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्शन होता है तो ऑपोजिट क्या होता है, रिएक्शन होता है. ये सो नो, बट यहाँ पे डायरेक्शन क्या रहेगा, आपके ऑपोजिट रहेंगे. मान लीजिए बॉल है ए और आपका बी, जैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है. सो हमने अभी जस्ट बात किया एम ए यू ए, ठीक है, और एम बी और आपका यू बी, इनिशियल वेलोसिटी एम ए वी ए एम बी वी बी. ठीक है, अब हमें क्या लेना है, चेंज लेना है. चेंज मतलब बदलाव, जो चेंज आया मोमेंटम में. ठीक है, बॉल ए का चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए, तो कैसे लेंगे हम, पी 2 माइनस पी 1. मान लीजिए कोलिजन के बाद मोमेंटम हमने पी 2 मान लिया, कोलिजन के पहले क्या मान लिया, पी 1. तो फाइनल क्या होगा इसका, एम ए वी ए माइनस एम ए और यू ए. अब हम यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे, रेट. रेट की बात आएगी, यानी कि हम क्या जोड़ेंगे यहाँ पे टाइम के हिसाब से. तो क्या हो जाएगा, एम एम कॉमन, सो एम ए कॉमन निकला, वी ए माइनस यू ए. अब देख रहे हैं दोनों में क्या है, एम कॉमन है, इसलिए हम क्या निकाल रहे हैं, कॉमन निकाल दे रहे हैं. ओके, तो हमने रेट की बात की, तो इसके चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, ये होगा एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन t.
14। अब सेम इसी तरीके से किसका होगा, आपके बी वाले का, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, हम पी द्वारा दिखा सकते हैं, तो पी टू माइनस पी वन, बट किसका, बॉल बी का, तो उसका भी ऐसे एम बी वी बी, ये सब नो एम बी और यू बी। अब टाइम यहाँ पे फिर से हम जोड़ेंगे, बिकॉज रेट की बात हो रहा है, पहले यहाँ पे जोड़ेंगे तो टाइम के हिसाब से हमने यूज किया गया है। सो यहाँ पे भी आपका एम कॉमन, एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन डी, ये सुन रहा हूँ, यहाँ तो बात क्लियर। तो चेंज इन मोमेंटम बॉल ए का और चेंज इन मोमेंटम बॉल बी का, ये दोनों हैं, यहाँ तो बात क्लियर। अब हम न्यूटन का थर्ड लॉ क्या करेंगे, यूज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एक्शन और रिएक्शन कभी भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बट यहाँ पे डायरेक्शन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ओके, डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो एफ ए बी माइनस एफ बी ए, ये सुनो, या तो बात क्लियर। अब ए बी क्या है आपका, ये सुनो, ये है आपका है ए का बी पे और बी का ए पे, सो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे एम ए वी ए माइनस एम ए और यू ए अपॉन टी, यू है आपको याद है, माइनस में रहेगा, यहाँ पे भी आपका एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी डिवाइडेड बाय टाइम, यहाँ तो बात नहीं, अब टी टी कैंसल आपका, ये सर नो। अब क्या करेंगे हम, जस्ट इसको कहाँ ले जाएंगे, इसके पास ले जाएंगे, या फिर इनिशियल को इनिशियल के पास ले जाओ, फाइनल को फाइनल के पास ले जाओ, सो हम फाइनल को लेके जा रहे हैं, तो आपके ये फाइनल वाला पार्ट है, तो एम ए वी इधर आया तो पॉजिटिव, प्लस एम बी वी बी, ये सर नो, अभी इनिशियल वहाँ पे गया, ये सर नो, और आपके फाइनल यहाँ पे इनिशियल भी उस पार्ट के यहाँ पे आ गए, सो एम ए और वी ए प्लस एम बी और आपके यू बी क्या हो गए, इक्वल हो गए, यस और नो। तो आप देख सकते हैं कि इक्वल मोमेंटम होते हैं जब कभी भी कोलिजन होता है बॉल एक